सभी दोस्तों को नमस्कार। हम लोग जो बात कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में पिछला जो पार्ट मैंने आप तक पहुंचाया है, हमने ये पढ़ा कि राजस्थान के मानचित्र में मेवाड़ कहाँ है, वर्तमान के कौन कौन से जिले हैं जो मेवाड़ में आते थे, और मेवाड़ में कौन से राजवंश ने शासन किया, गुहिल राजवंश क्या था, इस वंश के जो संस्थापक हैं गुहिल आदित्य वे कौन थे, इस पे हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि गुहिल आदित्य के बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन आए, कौन राजा बने, हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। लेकिन गुहिल की आठवीं पीढ़ी में हमें एक राजा मिलता है, नागादित्य, और उस नागादित्य के ही जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, कालभोज। कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी जाएगी, तो इसी कालभोज को हम बप्पा रावल भी कहेंगे। तो इनकी हमें बात करनी है, और बीच में ये जो गुहिल वंश है इसका अता पता ही नहीं लग रहा कहां गायब हो गया, उसे पुनः संगठित करके चित्तौड़ में स्थापित करेंगे, वे कालभोज करेंगे। इसलिए कालभोज को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये बातें हमको करनी है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो गुहिल वंश है, आराम से पढ़े आप लोग, गुहिल वंश, ये गुहिल वंश है, इस वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, गुहिल आदित्य है, ये पढ़ चुके हैं। और इनकी आठवीं पीढ़ी में एक राजा हुआ जिनका नाम है नागादित्य, ये इनकी आठवीं पीढ़ी में जाके एक राजा हुए, उनका नाम क्या है, नागादित्य। यानी गुहिलादित्य और नागादित्य के बीच में कौन आए, कौन मरे, हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन नागादित्य के बारे में हमें एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि नागादित्य का व्यवहार अच्छा नहीं था, और इनसे इनके शासनकाल से मेवाड़ के भील नाराज हो गए और उनमें असंतोष पैदा हो गया, और इसी असंतोष से उन्होंने नागादित्य क्या कर दी, हत्या कर दी। इसका मतलब, इसके बारे में हमारे पास में कोई विशेष जानकारी नहीं है। एक जानकारी है कि अच्छा आदमी नहीं था, इसलिए भीलों ने मार दिया। ये तो मर गया, लेकिन पीछे एक 3 वर्षीय एक पुत्र छोड़ गया। कितना वर्षीय? 3 वर्षीय। और उस पुत्र का नाम है कालभोज। नाम क्या है? कालभोज। तब नागादित्य मरा तो कालभोज है, इसकी आयु मात्र 3 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। तो इनकी मां है, मां को चिंता होने लगी कि कहीं भील लोग इस बच्चे को भी ना मार दें, तो इनकी मां इस बच्चे को लेकर निकल गई। और ये मां है, इस बच्चे को नागदा पहुंचा देगी। कहां? नागदा। और नागदा के जंगल हैं, वहां ब्राह्मण रहते हैं, और इन ब्राह्मणों के पास बहुत सारी गाय थी। कहानी समझ में आई?
कि नागादित्य के पुत्र कालभोज को, जो कि 3 वर्ष का था, इनकी माँ इन्हें नागदा पहुंचा देगी और नागदा के ब्राह्मण है उनकी गाय चराने का काम ये कालभोज करेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने नागादित्य के नीचे कालभोज लिखा है तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर, हमने तो कोचिंगों में इनके जो पिता हैं, किसके, कालभोज के पिता, उनका नाम महेंद्र सेकंड पढ़ा है। क्या पढ़ा है? महेंद्र सेकंड पढ़ा है दोस्तों। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं, ये तो ये बता रहा हूं कि भाई कालभोज के पिता का नाम नागादित्य है। ये प्रमाणिक स्रोत के आधार पे बता रहा हूं मैं आपको, और ये प्रमाणिक स्रोत हमारे पास में क्या है उसकी मैं चर्चा कर लूंगा आपसे। एक बहुत बड़े इतिहासकार, इनका नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मैं जो बात कह रहा हूं वे डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार कह रहा कि ओझा जी ये कह रहे हैं कि कालभोज के पिता का नाम नागादित्य था, महेंद्र सेकंड इन्होंने नहीं बताया है। अब आप कहेंगे सर, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन था? तो दोस्तों, हम लोग तब इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि जिस दिन हम गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम नहीं ले। इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा को हमें यहां समझना बहुत जरूरी है। यदि यहां इसको समझ लिया तो आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कौन थे उनकी हम लोग बात करें। देखिए दोस्तों, ये जो रहने वाले थे ये सिरोही के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? सिरोही के। सिरोही में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है रोहिड़ा गांव, और यहां इनका जो जन्म हुआ, जन्म 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और अप्रैल 1947 में इनका निधन हो गया। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, भाई सवाल आएगा यहां से ध्यान रखना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा से सवाल पूछता ही है, इसलिए डिटेल से पढ़ लेना इसको। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहां के रहने वाले थे? सिरोही के रहने वाले थे, और गांव कौन सा है? रोहिड़ा गांव। जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी को, और निधन कब हुआ? 1947 ईस्वी को। दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े जानकार थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंदी में प्राचीन लिपिमाला। कई बार ये सवाल पूछता है कि हिंदी में प्राचीन लिपिमाला पुस्तक किनकी है, तो आप बता देंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा की है। तो इन्हें ज्ञान था हिंदी भाषा का। आपने नाम सुना होगा कर्नल जेम्स टोड का,
और कर्नल साहब ने, टोड साहब ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को आप सब जानते हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों जैसे मैंने ये नाम बोला है तो सभी बच्चों के दिमाग में ये आ गया होगा कि हाँ सर, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जितने पेपर हम लोगों ने देखे हैं शायद ही 6-7 साल से एग्जामिनर ने किसी एग्जाम में इस पुस्तक का नाम पूछा। एक जमाना था तब पूछा करता था, लेकिन तब याद नहीं हुआ करता था, लेकिन तब याद हो गया तो एग्जामिनर अब पूछता नहीं है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आए क्लास में आए या यूट्यूब पर आए या किताब के सामने आए, ये नहीं कि जो आया उसको लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। दोस्तों कोई फायदा नहीं है। आपको यह पता लगाना जरूरी है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है, वे हमसे क्या चाह रहा है, और प्रत्येक वर्ष इसमें बदलाव होता चला रहा है। इसलिए आपको एक अनुभव की आवश्यकता है। बहुत बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर किताब कौन सी लें। अरे आपने कोई किताब ले भी ली तो जरूरी थोड़ी कि वही किताब आपके पेपर बनाने वाले के पास हो। हमने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी हैं और सभी किताबों का निचोड़ ये है, तो इसे ढंग से पढ़ लीजिए। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको एग्जामिनर की भाषा भी समझ में आएगी और वे क्या पूछना चाह रहा है उसका जवाब भी आपको आएगा। किताबों के पीछे मत भागिए, एक संतुलित आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो हम बात कर रहे थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। तो रहने वाले सिरोही के हैं, रोहिड़ा गांव में इनका जन्म हुआ, 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1947 ईस्वी में इनका निधन हुआ। हिंदी में प्राचीन लिपि माला इन्होंने लिखी और कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है जो अंग्रेजी भाषा में थी उसका हिंदी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया। ठीक है, देखिए इनकी और पुस्तक भी है, जैसे नंबर 1 की हम यहां बात करें, आगे अच्छे अंक देता है ये। नंबर 2 राजपूताना का इतिहास, पुस्तक का नाम क्या है, राजपूताना का इतिहास। नंबर 3 सिरोही का इतिहास, सिरोही का इतिहास। नंबर 4 सोलंकियों का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास। नंबर 5 कर्नल जेम्स टोड का, इधर लिख देता हूं, कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र। अगली पुस्तक का नाम है
वीर श्रोमणि महाराणा प्रताप, वीर श्रोमणि महाराणा प्रताप। तो छह किताबें मैंने लिखी हैं। आप लोग कहेंगे सर इन्हें हम याद कैसे करें, तो दोस्तों याद भी आपके हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, भाई हिंदी के जानकार तो थे तो लिपिमाला तो हमारे याद हो ही गई। राजस्थान को हम राजपूताना बोलते हैं, राजपूताना में ये सिरोही के रहने वाले थे और सिरोही में एक जाति है उसका नाम क्या है, सोलंकी। तो राजपूताना में सिरोही है, सिरोही में सोलंकी है, तो तीनों का इतिहास, राजपूताना का इतिहास, सिरोही का इतिहास, सोलंकियों का इतिहास याद होगी, याद हो गई ना। और कर्नल जेम्सटोन की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया तो उनका जीवन चरित्र भी जानते होंगे। और इतने बड़े इतिहासकार रहे हैं तो महाराणा प्रताप को भी जानते होंगे, तो वीर श्रोमणि महाराणा प्रताप। दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे आप इतिहास के हर पृष्ठ पर पढ़ेंगे, उनके बारे में ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। जानकारी किस प्रकार से, सिरोही के रहने वाले, रोहिड़ा गांव के रहने वाले, 1863 में इनका जन्म हुआ, अप्रैल 1947 में इनका निधन हुआ। हिंदी में प्राचीन लिपि माला इन्होंने लिखी, राजपूताना का इतिहास इन्होंने लिखा, सिरोही का इतिहास इन्होंने लिखा, सोलंकियों का इतिहास भी इन्होंने लिखा, कर्नल जेम्सटोन का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा और वीर श्रोमणि महाराणा प्रताप इन्होंने लिखा। और दोस्तों इतिहास को जो क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है, इसलिए इन्हें राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास का जनक कहा जाता है। वैसे इतिहास का जनक कर्नल जेम्सटोन को कहा जाता है राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनके पिता का नाम क्या था, नागादित्य। ये बात आपके एकदम समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, कई बार हम भूल जाते हैं कहना, तो आप सोते ही समय समय पर अपना स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग, ठीक है। चलें, कोई समस्या तो नहीं है, समस्या नहीं है तो वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग और मेवाड़ के इतिहास कंटिन्यू चलेगा आपका, ठीक है ना। देखिए तो भाई कालभोज मात्र 3 वर्ष का और कर्नल जेम्सटोन के अनुसार, किन के अनुसार, कर्नल जेम्सटोन के अनुसार इनकी मां नागदा ले गई और नागदा में जो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों की गाय चराने का ये काम करेगा। और देखिए अब आगे क्या होगा, एक डायग्राम बनाए आप लोग, डायग्राम बनाए फिर एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक इधर बना ले, हारित ऋषि, हारित ऋषि, यह लिखेंगे पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। आगे लिखेंगे भगवान शिव, शिव लिख देंगे और शिव के नीचे इधर आप लिखेंगे एक लिंग जी, क्या लिख देंगे, एक लिंग जी, ये लिखेंगे आप लोग। यहां लिखेंगे आशीर्वाद,
और फिर लिखेंगे 734 ईस्वी। चित्तौड़ का राजा मान मौर्य, क्या लिखेंगे? चित्तौड़ का राजा मान मौर्य। आगे लिखेंगे बप्पा या बापा रावल, और आगे लिखेंगे एक लिंग जी का दीवान, एक लिंग जी का दीवान, ये लिखे आपको। डायग्राम जरूर बना ले क्योंकि आगे की कहानी समझाने के लिए मुझे इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आराम से उतार ले आप लोग। हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय, उधर लिखा है शिव, फिर लिखा है नीचे एकलिंग जी। आशीर्वाद 734 ईस्वी, चित्तौड़ के राजा मान मौर्य, बप्पा या बापा रावल और एकलिंग जी का दीवान। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा। हम लोग आपको यह कह रहे हैं कि कालभोज ब्राह्मणों की गाय चराने का काम करता था, सुबह लेके गाय जाया करता था और शाम को वापस आ जाया करता था। उसी समय इनकी मुलाकात एक ऋषि से हो जाती है और उन ऋषि का नाम है हरित ऋषि। ये ऋषि पाशुपत संप्रदाय के एक सन्यासी थे। पाशुपत संप्रदाय जो आपके शैव धर्म है, शैव संप्रदाय, शैव धर्म, इसी में से पाशुपत निकला है। शिव मतलब भगवान शंकर। पाशुपत का वैसे मतलब होता है पशुओं का मालिक, लेकिन आगे चलकर इसे जीवों का मालिक कहा गया, भगवान शंकर से संबंधित है। तो हरित ऋषि भगवान शंकर की यहां तपस्या किया करते थे। कालभोज इनके शिष्य बन गए और हरित ऋषि को अपना गुरु बनाया। इनके सेवा भाव से ऋषि इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने वरदान में भगवान शंकर से कालभोज के लिए मेवाड़ का राज्य मांग लिया। किसने? हरित ऋषि ने। और फिर कालभोज को मेवाड़ का राजा बनने का आशीर्वाद दे दिया। क्लियर? ये आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद लेके जो खजाना बताया वहां से धन निकाला और एक संगठित, एक सुदृढ़ सेना का गठन किया और उस सेना को लेकर 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में कौन? कालभोज चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा और चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करेगा। मान मौर्य को पराजित करके ये कालभोज, कौन? कालभोज ये चित्तौड़ का क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। ठीक है, कब? 734 ईस्वी में। ठीक है, और आगे चल के लगभग 753 ईस्वी में इनका निधन होगा। तो इनका जो शासनकाल, हालांकि हम उस समय, हमारे पास में उस समय की जानकारियां बहुत कम मिल पाती है, लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पे देखें तो इनका यह समय बन जाएगा 734 ईस्वी में राजा बना,
753 ईस्वी में इनका निधन होगा, तो ये इनका मोटे तौर पर एक शासनकाल बन जाएगा। ठीक है, कालभोज क्या बन गया? राजा बन गया। यहां तक कहानी समझ में आ गई? इधर आ रही, कालभोज राजा बना, तो राजा किनके आशीर्वाद से बना? आप कहेंगे सर हरित ऋषि के आशीर्वाद से बना। भाई हरित ऋषि ने आशीर्वाद किससे मांगा? बोला जी तो आशीर्वाद शिव से मांगा, भगवान शंकर से मांगा। तो मेरे मित्रों, जिस स्थान पर वे शिवलिंग था उसी स्थान पर ये जो काल भोज है एक मंदिर बनवाएगा, और उस मंदिर का नाम क्या होगा? एक लिंग जी का मंदिर। क्या होगा? एक लिंग जी का मंदिर। तो एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? कालभोज। और ये एक लिंग जी का जो मंदिर है, ये मंदिर है वर्तमान में कैलाशपुरी, और ये कैलाशपुरी पड़ता है आपका उदयपुर में। तो एक मंदिर, इसका नाम क्या है? एक लिंग जी का मंदिर। निर्माण कौन करवा रहे हैं? कालभोज। और कहां करवा रहे हैं? कैलाशपुरी उदयपुर में। देखिए, अब ये ऋषि कालभोज को दो उपाधि देगा, बप्पा कह देते हैं या बापा कह देते हैं। तो बप्पा या बापा रावल, ये कालभोज की उपाधि हो गई। अब क्या हुआ कि मेवाड़ के जो राजा है कालभोज, या आगे चल के जितने भी राजा होंगे, वे यह मानते थे कि हम लोग एक लिंग जी के दीवान हैं, जो मेवाड़ का वास्तविक राजा है वह एक लिंग जी है। हम तो एक लिंग जी के दीवान हैं, तो आपसे पूछा जाए एक लिंग जी का दीवान तो इनकी उपाधि है, और आगे चल के जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए, राजा हुए हैं, वे एकलिंग जी को अपना देवता मानते थे। तो आपके एक बात और समझ में आ गई कि मेवाड़ के महाराणाओं का जो देवता है, वे देवता कौन होगा? एकलिंग जी होंगे। तो यह सवाल भी आपसे पूछा जाता है, देवता एकलिंग जी हो गए, और देवी की आपसे बात पूछे तो देवी को यही पढ़ लेते हैं। देवी का नाम हो गया बाण माता। सर मेवाड़ के जो महाराणा हैं, वे लड़ाइयां बहुत लड़ते थे, बाण चलाते थे, तो इसलिए उनकी जो देवी है उस देवी का नाम क्या हो गया? बाण माता। और आपसे पूछे देवता, तो आप बता देंगे कि सर देवता कौन हो गए? एकलिंग जी। फिर सुने, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ का वास्तविक शासक किसे मानते थे? आप बता देंगे एक लिंग जी को मानते थे। और अपने आप को क्या मानते थे? तो अपने आप को एक लिंग जी का दीवान मानते थे। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए, मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के जो राजा है, वे अपने राज्य से कहीं बाहर जाते थे तो एक लिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। क्या प्राप्त करते थे? आशीर्वाद। और वे जो आशीर्वाद है एक लिंग जी का, वह कहलाता है आशंका लेना। आपसे पूछे कि मेवाड़ के इतिहास में आशंका लेना क्या है, तो आप बड़ी बारीकी से बता देना कि मेवाड़ के राजा भगवान एकलिंग जी से जो आशीर्वाद प्राप्त करते थे, वे आशीर्वाद क्या कहलाता था? आशंका लेना। समझ में आ गया? तो एकलिंग जी का मंदिर यहां बन गया, कालभोज ने बनाया, इनके आशीर्वाद से ये राजा बन गए। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ के
महाराणाओं का संप्रदाय, उनका धर्म कौन सा था, तो कौन सा धर्म हो जाएगा? सेहु धर्म। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, भगवान शंकर को मानने वाला धर्म। देखिए ये कहानी समझ में आ गई। अब आप एक बात समझिए कि गुहिलादित्य के बाद में सीधा जो ताकतवर राजा आया है, बलशाली राजा आया है, वे कौन है? कालभोज। तो जो गुहिल वंश है, बिखर चुका था, उसको संगठित किया और संगठित करके कालभोज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। वहां के जो राजा हैं, मान मौर्य को पराजित किया। तो इसलिए ये कहते हैं कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, ध्यान देना मित्रों, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक की आपसे बात करें तो आप बता देंगे कौन? कालभोज। संस्थापक पूछे तो गुहिलादित्य, और आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक तो कौन? कालभोज। दोस्तों, कालभोज का विजय अभियान यहां तक चित्तौड़ तक ही सीमित नहीं रहा। इन्होंने ईरान, इराक, तुरान, कंधार, कश्मीर सभी पर अपनी सैन्य चढ़ाइयां की और अपने वहां पर अपने सैन्य ठिकाने स्थापित किए। और दोस्तों, हमें यह जानकारी मिलती है कि जो पाकिस्तान का एक शहर रावलपिंडी, तो रावल मतलब रावल, बप्पा रावल, कि रावल पिंडी एक बप्पा रावल का सैन्य ठिकाने होने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा? रावल पिंडी पड़ा। तो दोस्तों, इतने बलशाली थे, इतनी संगठित इनके पास सेना थी कि जो इनके समय जो अरब आक्रमण हुए, इनकी वीरता के सामने अरब आक्रमणों का जो ज्वार बांटा है, वे टकराकर चूर चूर हो गए। तो इतने ताकतवर, इतने संगठित सेना कालभोज के पास थी। तो गुहिल वंश को संगठित किया, चित्तौड़ में स्थापित किया, इसलिए वास्तविक संस्थापक ये कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आपने एक नाम सुना होगा, सीवी वैद, चिंतामणि विनायक वैद। देखिए मैं यहां कुछ उपाधियों का नाम लिख रहा हूं कि जैसे ही कालभोज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, मान मौर्य को पराजित किया, तो इन्होंने एक जो उपाधि धारण की उसका नाम है हिंदुओं का सूरज। पहले ही बता चुका हूं फर्स्ट पार्ट में कि ये मेवाड़ के महाराणाओं की उपाधि होती थी। दूसरा, इन्होंने राजगुरु की उपाधि धारण की। और तीसरा, इन्होंने चकवे की उपाधि धारण की। चकवे कह दीजिए चक्रवर्ती। चकवे का मतलब निकलेगा, वे क्या निकलेगा? चक्रवर्ती। तो जैसे ही चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, तो कालभोज ने हिंदुओं का सूरज, राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की। और एक विद्वान चिंतामणि विनायक वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य ने, इनकी जो तुलना है वह तुलना चार्ल्स मार्टिल फ्रांसीसी सेनापति जिन्होंने मुगलों को सर्वप्रथम पराजित किया था। तो आपसे पूछे सी वी वैद्य या चिंतामणि विनायक वैद्य ने इनकी तुलना चार्ल्स मार्टिल से की है। तो यहां ये उपाधि आप ध्यान रखेंगे। फिर से रिपीट कर दूं, कालभोज ने
हिंदुओं का सूरज, राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की, चिंतामणि विनायक वैद्य, इन्हें बोलते हैं सीवी वैद्य, ने चार्ल्स मार्टिल से इनकी तुलना की। चार्ल्स मार्टिल एक फ्रांसीसी सेनापति हुआ करता था जिसने सबसे पहले मुगलों को पराजित किया था। तो दोस्तों ये बातें भी आपको आनी चाहिए। आगे हम लोग बात करें गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो मैंने आपको अभी बताया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा यह लिखते हैं कि कालभोज के संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। इनका वास्तविक इतिहास हमें मिलता नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि इन्होंने चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को यहां से भगाया, उसे पराजित किया और गुहिल वंश को संगठित करके उसे चित्तौड़ में स्थापित किया। ठीक है, अब एक इनका निधन किस प्रकार से हुआ, चलिए हम एक बात और कर लें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। अभी रिपीट करूंगा, चिंता ना करें, बिल्कुल भी पूरी कहानी आपको दोबारा से बोलूंगा। मैं चाह रहा हूं कि जितने भी वीडियो मेरे हाथ से निकले तो कम से कम वे सब्जेक्ट, वे विषय, वे टॉपिक तो आपका कंठस्थ होना चाहिए और आपको किसी बुक्स वगैरह पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। कम करवा दूंगा, लेकिन जो करवाऊंगा वे सॉलिड करवाऊंगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे आप आरएस मेंस दें, मेंस तक भी आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इतिहास, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इतिहास को इतिहास के ढंग से पढ़ा जाता है। इसमें सीधा फैक्ट निकाल के, नोट्स बना के, नोटबुक भर के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, और इसे समझ के पढ़ेंगे तो हमें कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से ऐसा पल्ले पड़ेगा, ऐसे आपके दिमाग में जाएगा कि एग्जामिनर किसी भाषा में सवाल पूछे लेकिन आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने अपने पूर्वजों की तरह इन्होंने भी सिक्के चलाए, और इन्होंने सोने का सिक्का चलाया, और उस सोने के सिक्के का जो वजन था वे 115 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का? 115 ग्रेन का। और उस सोने के सिक्के पर दोनों तरफ कुछ चित्र थे, उनकी हम लोग बात कर ले। देखिए, कामधेनु का चित्र था, बछड़े का चित्र था, नंदी का चित्र था, शंकर का चित्र था, त्रिशूल का चित्र था, नदी का चित्र था, मछली का चित्र था, एक पुरुष जो दंडावत प्रणाम कर रहे हैं उसका चित्र था। तो कालभोज ने जो सिक्के चलाए उसका वजन 115 ग्रेन का था, और इन सिक्कों के दोनों पहलुओं पर जो चित्र थे वे ये थे। अब आप कहेंगे सर ये याद कैसे हो जाता है? हो जाएगा, यदि हमारे बिना किताब, बिना नोटबुक के हम खाली हाथ एक मार्कर लेकर आपके सामने खड़े हैं तो आप यकीन कीजिए कि हम जो बोलेंगे वे आपके भी याद होगा, क्योंकि हमने भी उसे किसी न किसी तरीके से याद किया होगा। वे अलग बात है कि हमें वर्षों लग गए इस तकनीकी को अपनाने के लिए, इसे याद करते करते, लेकिन जो वर्षों में हमने जो कमाया है उसे आपको हम मिनटों में दे रहे हैं, इसलिए आपके याद हो जाएगा। देखिए भाई, कामधेनु गाय को बोलते हैं, गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, और ऐसे ही नंदी होता है नादिया,
और नंदिया नादिया तो भगवान शंकर का होता है, और भगवान शिव भगवान शंकर के पास त्रिशूल होती है और जटाओं से नदी निकलती है। नदी में तो मेरे मित्रों मछली होती है और नदी में एक दंडावत यानी हम लोग स्नान करते हैं तो एक पुरुष जो दंडावत प्रणाम कर रहा है, ये चित्र इस सिक्के पर होंगे। शायद मुझे भी ये आशा है कि आपके याद हो गया होगा, दोबारा बोलने की यहां कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से है नहीं। देखिए बप्पा रावल के बारे में एक कहावत प्रचलन में है, ऐसी कहावत एग्जामिनर कभी पूछता तो नहीं है लेकिन भरोसा भी नहीं है, तो हमें हल्का सा पता होना चाहिए कि इतनी लंबी चौड़ी जो कहावत है किसके संदर्भ में है। कालभोज के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये एक साथ दो बकरों का भोजन करता था, चार भैंसों की बलि दे दिया करता था, इनकी 35 हाथ की धोती हुआ करती थी, 16 हाथ का दुपट्टा होता था, इनकी जो खड़ग है तलवार रखने की 32 मन की हुआ करती थी और 12,72,000 सैनिक इनकी सेना में हुआ करते थे। तो इतनी लंबी चौड़ी बात करके आपसे पूछे कि यह कहावत किस राजा के संदर्भ में है, तो आप बता देंगे मेरे दोस्तों यह कहावत कालभोज के संदर्भ में है। ठीक है, अब देखिए, अब इनका जो निधन हुआ वे निधन के बारे में हमें अलग अलग मत प्रचलन में मिलते हैं। जैसे हम बात करें डॉक्टर गोपी चंद शर्मा जी की, तो गोपीचंद शर्मा भी एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनकी बहुत सी किताबें आती हैं और इनके जो ग्रंथ हैं उन्हें प्रमाणिक माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 753 ईस्वी में, कब 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास लिया था। क्लियर, ठीक है, खत्म हो गए। दूसरे कुछ इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि इन्होंने मध्य एशिया पर आक्रमण किया यानी अपनी सैन्य चढ़ाई की और उसी सैन्य चढ़ाई के दौरान ये मारे गए। तो मोटा सा आइडिया मिलता है कि ये 753 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो समाधि स्थल बोले या उसको मंदिर बोले, मंदिर भी कहते हैं, तो वे मंदिर इनके नाम से ही है, बप्पा रावल है बप्पा रावल। और ये मंदिर जो आपका एक लिंग जी का जो मंदिर है उसके पास में ही है। तो ये हमने किसकी बात की है, कालभोज की। एक बार फिर से एक कहानी मैं आप लोगों के सामने दोहरा देता हूं। प्रयास ये करता हूं कि जिस इतिहास से आपको डर लगता है वह इतिहास आपका इतना मजबूत हो जाए कि आपको भी यह एहसास हो जाए कि हाँ वास्तविकता पढ़ने का तरीका सही हो, तो कितनी भी कठिन विषय वस्तु क्यों ना हो हम सब कुछ याद कर लेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुआ जिनका नाम नागादित्य था। नागादित्य के व्यवहार से दुखी होकर भीलों में असंतोष पैदा हो गया और उस असंतोष के कारण भीलों ने नागादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। नागादित्य का एक 3 वर्षीय पुत्र जिनका नाम कालभोज है, उनकी मां उन्हें नागदा छोड़ देती है। नागदा में वे ब्राह्मणों की गाय चराने का काम करते थे। कालभोज धीरे धीरे बड़ा हुआ, हरित ऋषि के शिष्य बन गए,
हरित्रिषि पाशुपत संप्रदाय एक सन्यासी भगवान शिव के भक्त थे। भक्ति भक्ति में भगवान शंकर से काल भोज के लिए मेवाड़ का राज्य मांग लेते हैं और काल भोज को आशीर्वाद देते हैं। काल भोज उस आशीर्वाद से एक सेना एकत्रित करता है और 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करता है और गुहिल वंश को संगठित करके मेवाड़ में पुनः स्थापित करता है। इसलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कालभोज को कहते हैं। कालभोज ने उस शिव भक्त होने के कारण एक शिवलिंग यानी एक लिंग जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी में और मेवाड़ के वास्तविक राजा उन्हें मानते हैं, अपने को एक लिंग जी का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं का देवता एक लिंग जी है और उनकी देवी बाण माता है। मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के राजा तब अपने राज्य से बाहर जाते थे तो एक लिंग जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और एक लिंग जी के आशीर्वाद को हम आशंका लेना कहते थे। मेवाड़ के महाराणाओं की देवी बाण माता थी। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित किया और चकवे राजगुरु की उपाधि धारण की। चिंतामणि विनायक वेद ने इन्हें चार्ल्स मार्टिल से तुलना किया है, चार्ल्स मार्टिल की उपाधि दी है। ईरान ईरान तुरा कश्मीर कंधार पर आक्रमण किया, सैन्य चढ़ाई की, उन्हीं में से एक सैन्य ठिकाना रावलपिंडी है। अरब आक्रमणों को चकनाचूर कर दिया इनकी वीरता ने और 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास ले लिया या मध्य एशिया में जाते समय इनका निधन हो गया। सोने के सिक्के चलाए, 115 ग्रेन के थे, उनपे कुछ चित्र यहां बनाए हुए हैं तो ये भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये काल भोज की पूरी कहानी हम लोगों ने यहां पढ़ी है और मैं प्रयास ये करता हूं कि आपको पढ़ के बहुत मजा आ गया होगा। पूरे एक एक फैक्ट को ध्यान रखें लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, इतिहास आप पढ़ें, इतिहास को ठीक उसी प्रकार से पढ़ें जिस प्रकार से इतिहास घटित हुआ है। जिस प्रकार से इतिहास की घटनाएं चलती रही उसी प्रकार से उसे पढ़ते जाएं, समझ में आ जाएगा। तो काल भोज समझ में आ गया दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, इसको लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने परिचित तक पहुंचाएं, सब सब्सक्राइब करें, आपका परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाएं। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, मैं अभी कर रहा हूं, हमें सपोर्ट का मतलब है कि वीडियो शेयर और सब्सक्राइब, जितना आप लोग करेंगे हमको मोटिवेट मिलेगी, हमको ऊर्जा मिलेगी और हम अच्छा काम कर पाएंगे। आप चाहते हैं आपको अच्छा पढ़ाए, 20 मिनट में कर रहा हूं, आपको ऊर्जा दें, समझ लेना उसी प्रकार से हमें भी ऊर्जा की आवश्यकता है और वे ऊर्जा आप लोग देंगे, ठीक है। तो कल फिर आगे हम लोग बात करेंगे, आपको आगे बताऊंगा अलर्ट जिसका नाम सुना है, अलर्ट की हम बात करेंगे, नरवाहन की हम बात करेंगे, शक्ति कुमार की हम बात करेंगे। तो कुछ छोड़ने वाला नहीं हो, आराम से आप पढ़ते रहे। तो कल फिर मिलते हैं हम लोग नए पाठ के साथ, तब तक लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।